नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार झारखंड के सबसे बड़े YouTube चैनल लाइव सिटीज़ में। इस वक्त हमारे साथ राजद के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह जी हैं। सर, लाइव सिटीज़ में स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। आज अश्विनी चौबे PMCH में गए थे और वहाँ पर उन पर स्याही फेंक दी गई है, क्या कहेंगे इसका? नहीं, मेरी कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर लोगों से कहूँगा कि बाढ़ के बाद स्वयं पर लोगों को नियंत्रण करना चाहिए और रोग से मुक्ति का हो या अन्य तरह के परेशानी में जो लोगों को पैदा हुई है उसमें सरकार को सहयोग लेकर के उनसे कार्य लेने की और उसे मुक्त पाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन सर, ये जनता का आक्रोश ही है कि इससे पहले रविशंकर गए थे तब ऐसी कोई बात सामने नहीं आई थी, लेकिन आज अश्विनी चौबे गए तो लोगों का आक्रोश जो है वो इंक बनकर निकला है। अब मैं कह नहीं सकता हूँ कि क्यों, ये तो जो आक्रोश करने वाले व्यक्त करने वाले हैं वो जानते होंगे, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि सरकार कम से कम पोस्ट फ्लड में जो करना चाहे उसको करने का लोगों को मौका देना चाहिए ताकि बीमारी से मुक्त हो। इस आपदा ने काफ़ी नुकसान किया है, लेकिन संयम लोगों को बना के रखना चाहिए। लेकिन सर, अश्विनी चौबे पर जब स्याही फेंकी गई उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये बात कही है कि आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनके दिशा निर्देश पर ऐसे लोग ये काम करते हैं। हो सकता है वो सही हो, उनकी जो दृष्टि है उसको क्यों हम कोई भी कहेंगे कि उनकी दृष्टि गलत है, उनके हो सकते हैं नतीजे सही हो सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ राजद के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह जी, और इन्होंने अश्विनी चौबे पर स्याही फेंके जाने को लेकर तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने पटना के लोगों से ये बात ज़रूर कही है कि जिस तरह से पटना के लोग पिछले दिनों जल जमाव में फंसे हुए थे इसके बावजूद भी उन्होंने हौसला नहीं हारा है, और उनको उन्होंने ये बात कही है कि पटना के लोगों को संयम से काम लेने की ज़रूरत है। वहीं उन्होंने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि पोस्ट फ्लड के बाद आम जनजीवन को कैसे सामान्य किया जाए इसको लेकर बिहार सरकार की तरफ से जो ज़रूरी काम है वो किए जाने चाहिए। वहीं जब हमने उनसे ये बात पूछी है कि जब अश्विनी चौबे पर इंक फेंकी गई, स्याही फेंकी गई, तो इसके बाद अश्विनी चौबे ने ये बात कही है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा ही दिशा निर्देश दिया गया है और उनके दिशा निर्देश पर ही ऐसे लोगों ने ये काम किया है और ये छींटे मुझ पर आए हैं क्योंकि स्याही जो है वो पत्रकारों पर फेंकी गई थी। इस बात पर जगदानंद बाबू ने ये बात कही है कि ये उनकी सोच हो सकती है, अगर उनको लगता है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के दिशा निर्देश पर ये काम किया गया है तो हम उनकी सोच को संभाल नहीं सकते हैं, सुधार नहीं सकते हैं, ये उनकी सोच पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से सोचते हैं। फिलहाल अश्विनी चौबे पर जो स्याही फेंकी गई है, अश्विनी चौबे ने इस बात को इस तरीके से बचाव किया है कि ये स्याही उनके ऊपर नहीं पत्रकारों के ऊपर फेंकी गई थी और उसके सिर्फ छींटे इनके पास आए हैं। वहीं जो सरकार के लोग हैं, सरकार के बाहर के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, वो सारे लोग इस घटना की तो निंदा कर रहे हैं, लेकिन लोग ये भी मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं आम जनता का ये जो आक्रोश है ये स्याही के रूप में अश्विनी चौबे पर पड़ा है। देश दुनिया बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहें लाइव सिटीज़ के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए livecities.in पर ज़रूर जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।